आज मैं सोच रही हूँ कि बाहर घूमने जाने के लिए, क्योंकि आज मेरा ऑफ है, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर घूमने जाओ। और मेरे दो दोस्त लोगों का भी ऑफ है, दो तीन, तो मैं सोच रही हूँ कि आज बेंगलुरु की आसपास आप लोगों को दिखाती हूँ। बेंगलुरु की मॉल, बेंगलुरु की आसपास की चीज़ें कैसा है, नहीं है। बेंगलुरु का चाट मुझे खाने का बहुत ज़्यादा मन है, बट क्या है ना, बेंगलुरु और हैदराबाद के चाट इतना अच्छा नहीं लगता है, बट मैं फिर भी चाहती हूँ कि खाना खा के टेस्ट करना, आप लोगों के साथ शेयर करना है सब कुछ। तो मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, पहले नहाती हूँ उसके बाद रेडी होती हूँ, फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेज ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ यहाँ के चाट ट्राई करनी है ना, दोपहर को ही यहाँ पे चाट अवेलेबल होता है, तो मैंने सोचा आज ना चाट खाओ। क्या है मसाल पूरी? क्या है पानी पूरी कितना कर गया है? 30 रुपये, 6 पीस। अच्छा, 6 पीस 30 रुपये, और दही पूरी 35। दही पूरी दे दीजिए। दही पूरी देना। तो पता लग गया है पूरी, यहाँ पे पूरी आलू नहीं देता है, बस अनियन और कैरेट का मिक्स दे रहा है मिक्सचर। एक यहाँ पे मटर का ग्रेवी बनाया जाता है, ग्रेवी को अलग कर देते हैं और मटर को अलग कर देते हैं, तो अनियन और कैरेट के साथ मटर का ग्रेवी दे रहा है, फिर मिक्सचर दिया, फिर धनिया का चटनी, फिर रेड चटनी, ये जा रहा है मटर का ग्रेवी का पानी, फिर जा रहा है दही। पानी पूरी गर्म है। तो मैंने पहली बार दही पूरी खाया बेंगलुरु का, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गरम गरम लगा, पर बुरा नहीं था, टेस्ट बहुत अच्छा था। बट बेंगलुरु का भी अपना अलग टेस्ट लगा, अपना एक अलग ही स्वाद लगा, मुझे अच्छा लगा। मैंने आज तक इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन आज तक नहीं देखा है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है, वाह। लगा है कि मैं गरीब हूँ फिलहाल, सच बोल रहा भी गरीब हूँ। अलायंस के चक्कर में मेरा कितना 1000 रुपये चला गया है। आई थिंक आकाश, सौरभ, सौरभ टू ही इज सर या अमित। तो यहाँ पे बिना मास्क के एंट्री नहीं है। अरे ही इज माय क्राइम पार्टनर, हाय तो बोलो यार। अच्छा सर, अभी आ जा, से हाय। फर्स्ट टाइम बेंगलुरु में, तो यूज हो हम दोनों हर क्राइम एक साथ मिलके करते हैं हमारे होटल में, हर चीजें। दैट्स द रीजन ही इज माय क्राइम पार्टनर। और यहाँ से पानी गिर जाए। पानी कॉम्प्लीमेंट्री में मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पुदीना, स्वीट, गार्लिक, व्हाटएवर व्हाटएवर, कम इनसाइड।
और बेंगलुरु के मौसम कब क्या बदल जाए कोई कुछ भी नहीं जानता है, इतना अच्छा है। मैं आज कोशिश करूंगी एक दिन में सारा का सारा चाट खत्म कर दूं खा खा कर। और कितने दिनों के बाद मोमो नहीं दिख रहा है, मुझे लगा ये मोमो है, बड़े तो कुछ और ही है, आइसक्रीम है, ये फुचका है, कहीं का भी खा ले बट कोलकाता का फुचका कोलकाता का ही होता है और मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उसको। जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा बहुत दिनों के बाद मज़ा आ गया। सभी ने मिल के डिसाइड किया है कि बर्गर किंग चलेंगे, बर्गर किंग। बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि क्या बताऊँ, मतलब वाओ, मतलब कैमरा में कैप्चर नहीं हो सकते, इतना खूबसूरत है जगह। हम लोग पागल नहीं है, हमारे दिमाग खराब है बस। इधर भी सर्विस करना पड़ेगा सच में। अच्छा किंग बर्गर का कॉफी इतना घटिया कि क्या बोलते, मैंने सारा का सारा वैनिला आइसक्रीम डाल दी इसके अंदर, पूछा जाए इससे। नहीं भाई अब ट्रूथ और डेयर बोलेगा तब ना भाई। हाँ बोलो ट्रूथ और डेयर, ऑलवेज ट्रूथ, जो मन बट ऐसा कुछ मत पूछो जो हर्ट हो बस। क्या माई फेवरेट प्लेस? दिल्ली और कोलकाता। अगर तुझे चूज करना हो तेरे एक गर्लफ्रेंड जिसके लिए तू इतना रोया, और अगर तेरे लाइफ में अगर कोई अच्छी लड़की आई तो उसे भी अच्छे उसे चूज कर। इतना खूबसूरत लग रहा है कि क्या बताओ, बाहर का नज़ारा मतलब आउट ऑफ द लेवल। तो मैगी हो गया डन, हम लोगों का टूथ और डेयर भी बहुत अच्छा खेल लिया, टूथ और डेयर हो गया ख़त्म। तो अब चले हैं आगे, हम लोग एक्चुअली नीचे जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा मतलब व्यू है, वहाँ पर जाके फोटो उठाएंगे हम लोग। इतना खूबसूरत लग रहा है कि क्या बताओ। नीचे मॉल का नेम क्या है? मॉल का नेम ओरियन मॉल। ये कितना खूबसूरत मॉल है यार, मतलब चारों ओर देखो तो पागल हो जाओ, मत आओ ही मत, पागल हो जाओगे। दिस इज द ओरियन मॉल। बेंगलुरु में कभी भी बारिश हो सकता है, कभी भी, हमेशा रेडी रहो, छत्ता लेके घूमो। रात को इतनी भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लुक लग रहा है ना कितना खूबसूरत। बेंगलुरु सचमुच बहुत खूबसूरत है।
पे कितना सारा पहन रहे थे लुक। पसंद आया ना, कितना खूबसूरत है। वाओ, मतलब बेंगलुरु में एक चीज बहुत अच्छा लगा, जितना चाहिए उतना ब्लॉगिंग करो, कुछ भी करो, इतना ज्यादा किसी को परवाह ही नहीं है यार। कितना अच्छा, मतलब कैमरा निकालने से जो मतलब वो होते हैं ना लोग घूर घूर के देखना, बट यहाँ पे वो चीज है ही नहीं। तो हम लोग आ गए घूम के, बट आज का बहुत ज़्यादा बहुत मज़ा आया। मतलब सचमुच बेंगलोर कितना ज़्यादा ग्रीनी और ग्रीनी नेचर है ना बेंगलोर का, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर नहीं है, नहीं है, अमेजिंग है बेंगलोर। आप लोग बताओ, आप लोगों को सचमुच आप लोगों को कौन सा सिटी पसंद है बहुत ज़्यादा। तो हाय गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको बेंगलुरु की मेरे साथ ये सफ़र अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।